नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। राजनीति में भक्ति और चापलूसी किस हद तक पहुंच सकती है, इसका अनुमान आप इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक कार्यकर्ता नेताजी के सहारे अपनी नैया पार लगाने के लिए किस हद तक पहुंच सकता है। दरअसल ये वीडियो गोंडा जिले के कलाली गाँव का है, जहाँ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे एक पुल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। सांसद जी ने वहां जाकर भाषण दिया और फिर क्या था, भाषण खत्म होते ही एक कार्यकर्ता नेताजी का स्वागत करने के लिए मंच पर थाली लेकर पहुंचा और सांसद जी के पैर धोने लगता है। चापलूसी की हद तो तब पार हो गई जब कार्यकर्ता ने उस गंदे पानी को हाथ में लेकर चरणामृत की तरह पी लिया और पंडाल में बैठे लोग इस नजारे को देखकर ताली बजाने लगे। आप खुद सोचिए, जिस पानी को देखकर उल्टी आ जाए और उस पानी को कार्यकर्ताओं को पिलाकर सांसद महोदय गदागद हो रहे हैं। यही नहीं बल्कि सांसद महोदय कार्यकर्ता के चापलूसी भरे काम को देखकर फूले नहीं समाए और बेहद खुश होकर खुद उन्होंने इस तस्वीर को अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दिया और यह तस्वीर पूरी तरह ट्रॉल भी हुई। लिहाजा फौरन ही उन्होंने इस तस्वीर को अपने फेसबुक पेज से हटा दिया। इस तस्वीर के सामने आने के बाद सांसद निशिकांत को लेकर तमाम तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन सांसद महोदय सफाई देने में पीछे नहीं हटे। तुरंत महोदय ने भगवान कृष्ण को याद करते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट किया और लिखा, अपनों में श्रेष्ठता बांटी नहीं जाती और कार्यकर्ता यदि खुशी का इजहार पैर धोकर कर रहा है तो क्या गजब हुआ। पैर धोना तो झारखंड में अतिथि के लिए होता ही है, सारे कार्यक्रम में आदिवासी महिलाएं क्या यह नहीं करती हैं? इसे राजनीतिक रंग क्यों घसा जा रहा है? सांसद महोदय ने आगे लिखा, पैर अतिथि का धोना गलत है, अपने पुरखों से पूछिए महाभारत में कृष्ण जी ने क्या पैर नहीं धोया था। घटिया मानसिकता पर लानत है। लेकिन सांसद जी की इस घटिया सोच पर लोग अपनी राय देने पर रुके नहीं। लोगों ने लिखा, सांसद महोदय पैर धोकर सम्मान देना सराहनीय है क्योंकि यह पारंपरिक प्रथा है, पर उस पानी को पीना कतई उचित नहीं है, आपको उसे रोकना आपका फर्ज बनता है। जरा आप खुद सोचिए, उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी तो पैर छूने के लिए मना करते हैं, लेकिन सांसद महोदय ने तो कतई हद ही पार कर दी। क्या सांसद महोदय की ऐसी मानसिकता लोकतंत्र को नीचा नहीं दिखाती? आपको हमारी यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तमाम तरह की खबरें पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।